और प्रेमा तख्त पर दरी बिछा रही थी। तब प्रेमा कहती है कि तुम्हारी वो लाडली तो मुंह फुलाए पड़ी है। रामस्वरूप कहते हैं, क्यों क्या हुआ? प्रेमा कहती है, तुम्ही ने तो कहा था कि उमा को टिक टाक करके नीचे लाना। अरे हाँ, ये लोग थोड़े अलग विचारों के हैं। उमा से कहना कि वह जरा करीने से आए, क्योंकि ये लोग खुद पढ़े लिखे हैं, सभा सोसाइटी में जाते हैं, वकील है, परंतु उन्हें लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं चाहिए। प्रेमा कहती है, और लड़का बाप शेरे तो बेटा सोमा शेरे। बीएससी के बाद मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है लखनऊ में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है और पढ़ाई का, क्या करूं मजबूरी है। तब रतन दूर से मेहमानों को आते देखता है, भागकर अपने मालिक के पास जाता है और कान में कहता है, बाबूजी बाबूजी मेहमान आ गए। रामस्वरूप कहते हैं, अरे प्रेमा वे लोग आ भी गए, तुम उमा को कह देना कि वह थोड़ा गा भी देंगी। रतन से कहते हैं कि तुम बीबी जी के कमरे से हारमोनियम और सितार उठा कर ला, जा जल्दी जा। रतन चला जाता है और प्रेमा भी जाती है। रामस्वरूप गोपाल प्रसाद और शंकर का स्वागत बड़े अच्छे से करते हैं, पूछते हैं कि मकान ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई। गोपाल प्रसाद कहते हैं, तकलीफ किस बात की, तांगे वाला जो जानता था रास्ता मिलता कैसे नहीं। शंकर भी हंसता है और दोनों बाप बेटे बैठ जाते हैं। शंकर से रामस्वरूप पूछते हैं, क्यों कुछ दिनों की छुट्टी ली है क्या आपने? शंकर कहता है कि जी नहीं, वीकेंड में चला आया था। वीकेंड का मतलब हफ्ते भर का आखिरी दिन जो होता है उसे बोलते हैं वीकेंड, यानी कि महीने का भी होता है, हफ्ते भर का भी होता है, जैसे इतवार से शनिवार तक, शनिवार यानी वीकेंड होता है, तो वैसे ही वीकेंड में शंकर आता है। और रामस्वरूप पूछते हैं कि तुम्हारी पढ़ाई में कुछ एक साल बाकी रहा होगा, तो शंकर एकदम बातों में अड़खड़ाता और बोलता है, नहीं कोई एक हाथ दो साल मार्जिन रखता हूँ, एक हाथ दो साल रहा होगा, मार्जिन मतलब आगे की और एक साल बढ़ाना, आगे की सोचना। यहाँ गोपाल प्रसाद बोलते हैं कि चलो कुछ बिजनेस की बातचीत हो जाए। रामस्वरूप चौंकते, बिजनेस? अरे हाँ, यानी कि व्यवहार की बातें, शादी की बातें, लेकिन पहले आप जरा चाय वगैरह नाश्ता तो की लीजिए। और गोपाल प्रसाद कहते हैं कि आप क्यों तकल्लुक करते हो, ये बाद में होगा, तकल्लुक मतलब शिष्टाचार। गोपाल प्रसाद बोलते हैं कि आप तकलीफ मत करिएगा, परंतु रामस्वरूप मानते नहीं है। तकल्लुक किस बात का, हमारी तकदीर है कि आप हमारे यहाँ तस्वीर लाए हो, यानी रामस्वरूप से भी बड़े घराने के यह लोग हैं, इसीलिए वह बड़े अच्छे से खातिरदारी कर रहे हैं उनकी, क्योंकि उनको अपनी बेटी का ब्याह उनके बेटे शंकर से करना ही चाहते हैं, इसीलिए ऐसी मीठी मीठी बातें उनकी हो रही है। परंतु एक और सत्य को छुपाया जा रहा है, ऐसे बना बना कर बातें हो रही है, तो बातों बातों में ही कुछ हंसी मजाक वाली भी बातें होती है। यहाँ रामस्वरूप चाय लेने के लिए अंदर कमरे में चले जाते हैं और गोपाल प्रसाद शंकर से कहते हैं, ब्याह तय करने आए हो, जरा सीधी कमर करके बैठो, तुम्हारे दोस्त ठीक ही कहते हैं
कि तुम्हारी बैकबोन, बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी नहीं होना, ये पीठ पर जो हमारी मेन हड्डी होती है ना उसे बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, वो नहीं होती तो आदमी झुक कर बैठता है, वैसे ही शंकर को बैकबोन